साथियों नमस्कार। उम्मीद करूंगा आज वॉइस मेरी ठीक आएगी। मैंने थोड़ा सा सुधार किया इस सिस्टम में, पहले थोड़ा अलग था, थोड़ा सा चेंज करके वॉइस में चेंजिंग आ जाएगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आवाज अच्छी आएगी। तो साथियों आज अपन बात करेंगे गलप से रिलेटेड। गलप की अथॉरिटी ने इस 2019 जून के अंदर क्या चेंजिंग की है। हालांकि चेंजिंग तो पहले से भी लागू थी, लेकिन कुछ नए अपडेट करती रहती है। ये कोई भी मान लीजिए गवर्नमेंट मान लो या फिर कोई कंपनी मान लो, हर इंसान अपनी सिस्टम में चेंजिंग करता रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कुछ नए नियम आए हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आप मान लीजिए गल्फ में कहीं पर भी, दुबई बात करते हैं, बहरीन, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, कोई भी कंट्री में अगर आप जाते हैं, चाहे आप नए हो, चाहे आप पुराने हो, चाहे आपने कितनी भी बार यात्रा की हो, कितनी भी बार आपने किया, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे साथियों, कुछ चीजें आपको प्रतिबंधित की गई है। जी हाँ साथियों, कुछ चीजों का मतलब ये होता है साथियों, 33 सामानों की लिस्ट, जी हाँ 33 सामानों की लिस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी की है। उसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, क्योंकि सबके नाम लेना इम्पॉसिबल है। वो लगभग लोगों को पता ही होता है यार कि जो गलत अपने को महसूस होता है यार ये गलत है, अपन लेके नहीं जा सकते, तो वहां पर भी वो गलत है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें और एड हो गई है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, ठीक है साथियों। एयरपोर्ट अथॉरिटी का नया नियम आया साथियों, अगर आप एयरपोर्ट पे हो सकते हो गिरफ्तार। जी हाँ साथियों, क्योंकि कुछ चीजें प्रतिबंधित है, वो अगर आप लेके जाओगे तो 100% आपको रोका जा सकता है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आपको जेल भी भेजा जा सकता है। इन चीजों पे आप ध्यान रखें, ठीक है। प्रतिबंधित सामान की बात कर ले साथियों, 33 तरह का सामान है, 33 टाइप्स, ठीक है। उन चीजों को आप बिल्कुल बैन है, वो चीज आप नहीं लेके जा सकते। मैं लिस्ट आपको साथ में डाल दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बहरीन, दुबई, जो गल्फ से रिलेटेड जो कंट्रियां हैं, दुबई, मस्कत, ईरान, इराक, हुए जो भी कंट्री है, उस पे ये चीज लागू हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा, ठीक है साथियों। 33 सामानों की लिस्ट की गई है, वो आप नहीं लेके जा सकते। इन चीजों को आप ध्यान रखें। जो नए लोग हैं उनको भी आप बता सकते हैं, आप जैसे बात करते हैं, छोटा सा एक नेल कटर होता है अपने नाखून काटने वाला, वो उस दृष्टि से देखा जाए तो एक हथियार किसी के काम आ सकता है, उसको भी आप लेके नहीं जा सकते। उन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अगर ये कुछ चीजें आप लेके गए और एयरपोर्ट क्रॉसिंग में बोर्डिंग पास पे यहाँ पे आपकी ये सामान की चेकिंग हो गई, तो आपको एयरपोर्ट पे रोका भी जा सकता है, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो साथियों छोटी सी अपडेट थी, मैंने आपको दे दी। आप अन्य लोगों को भी शेयर करें जो भाई नया जाना चाहते हैं आपकी जानकारी में, ताकि उनको भी ये वीडियो का फायदा मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन का प्रेस भी बटन भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे नई अपडेट मैं डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, आंसर मैं वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।